उत्तर प्रदेश की सत्तारूढ़ योगी सरकार लगातार भूमाफियाओं के खिलाफ कठोर कदम उठा रही है। सरकार भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले भूमाफियाओं के खिलाफ जारी योगी सरकार के अभियान के तहत इस बार गाजियाबाद जिले में बड़ी कार्रवाई की गई है। दरअसल योगी सरकार के इस अभियान के तहत जिला प्रशासन व जल शक्ति विभाग ने सिंचाई विभाग की 8.89 एकड़ भूमि को भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त कराया है। जिला प्रशासन व जल शक्ति सिंचाई विभाग द्वारा मुक्त कराई गई इस भूमि की कीमत 150 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इस भूमि पर सड़क के सामने भूमाफिया अपनी बताकर ढाबा चला रहे थे, जबकि बाकी जमीन भी कब्जा कर रखी थी। इस बारे में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी देवेंद्र पाल सिंह ने बताया कि जिले के मसूरी पुल के पास सिंचाई विभाग की 8.89 एकड़ भूमि पर भूमाफियाओं ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा था। उन्होंने जमीन में ढाबा भी बना रखा था। इसी कड़ी में जल शक्ति विभाग की बुलंदशहर खंड, गंगा नहर खंड और गाजियाबाद जिले के प्रशासन ने संयुक्त रूप से अभियान चलाकर भूमि को कब्जे से मुक्त कराया। उन्होंने बताया कि इसी तरह सिंचाई और अन्य सरकारी विभागों की जमीन पर भी भूमाफिया काबिज है, जिन्हें चिन्हित कर लिया गया है। जल्द ही इन जमीनों को भी भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त कराया जाएगा। इस बड़ी कार्रवाई के बाद भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है।